Okay, now we discuss another type of testing that is called integration testing. ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में यूनिट टेस्टिंग के बारे में बताया, यूनिट टेस्टिंग के लिमिटेशंस के बारे में बताया, इस सेशन में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है. ठीक है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ. देखिए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि जब हम कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं उसमें अलग अलग मॉड्यूल होते हैं. एडमिन होता है, रोल्स की करेस्पॉन्डिंग अलग अलग क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं, एडमिन हो गया, ऑपरेटर हो गया, फैकल्टी हो गया. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स. ओके, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जैसे मैं आपको मेल का ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे आप मेल करते हैं तो मेल के अंदर आप एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है. आप जिसको मेल सेंड कर रहे हैं उसको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए आपको दोनों के मेल आईडी को चेक करना पड़ेगा, तब आप जाकर के मत बता सकते हैं कि हाँ मेल प्रॉपरली जा रहा है. दैट इज कॉल्ड जब ऐसे टेस्टिंग जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा मॉड्यूल के बीच में डेटा का फ्लो चेक करते हैं. ठीक है, एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन चेक करते हैं, इसे बोलते हैं अपन इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होता है वो सेम एप्लीकेशन में भी हो सकता है, क्रॉस एप्लीकेशन में भी हो सकता है, सेम डिवाइस में भी हो सकता है, क्रॉस डिवाइस में भी हो सकता है, सेम प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है. आजकल तो ऐसा होता है, जैसे देखा होगा आपने कि डेस्कटॉप में, मतलब आप कोई भी वेब एप्लीकेशन के डेटा को मोबाइल में एक्सेस करते हो, मोबाइल के डेटा को वेब एप्लीकेशन से आप एक्सेस करते हो. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप के अंदर, आजकल व्हाट्सएप से मैंने क्या किया, कोई भी पर्टिकुलर मैसेज भेजा, तो दूसरे डिवाइस जिस भी मोबाइल नंबर पे आपने भेजा उस, यदि मुझे चेक करना है कि व्हाट्सएप का मैसेज प्रॉपर डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुझे दोनों डिवाइस को क्या करना पड़ेगा, आपस में चेक करना पड़ेगा. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग तभी पॉसिबल होता है जब आपके दोनों मॉड्यूल्स परफेक्टली बन चुके होते हैं. इंटीग्रेशन टेस्टिंग कभी भी डेवलपमेंट स्टेज में नहीं होता, इंटीग्रेशन टेस्टिंग उस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के डेवलप होने के बाद होता है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड लॉजिकली एंड टेस्टेड एज अ ग्रुप. ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हैं उन सबको हमने क्या किया, एक ग्रुपिंग कर दिया, उनको इंटीग्रेट कर दिया. उसके बाद जैसे कंप्यूटर मशीन की बात करता हूँ, कंप्यूटर मशीन में आप चेक करते हो माउस प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कीबोर्ड प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एग्जाम्पल है. प्रिंटर आपने लगा दिया तो प्रिंटर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ए टिपिकल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स. ठीक है, जब हम टिपिकल सॉफ्टवेयर, मतलब बड़े सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ERP प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो उन सभी मॉड्यूल्स के का जो कोडिंग होता है वो अलग अलग प्रोग्रामर्स के थ्रू होता है. तो सीधी सी बात है कि प्रोग्रामर्स को पता भी नहीं होता कि वो किस मॉड्यूल, मतलब उसका दूसरा मॉड्यूल क्या है, उसको तो अपने मॉड्यूल से मतलब है, अपने फेस से मतलब है. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू हम डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में जो डेटा का फ्लो होता है वो हम चेक कर सकते हैं. इंटीग्रेशन टेस्टिंग फोकसेस ऑन चेकिंग डेटा कम्युनिकेशन अमंगस दीज मॉड्यूल्स. ठीक है, डेटा का कम्युनिकेशन चेक करता है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि डेटा का फ्लो चेक करना, कि भाई आपने यहाँ से तो रजिस्ट्रेशन कर दिया पर एडमिन को रजिस्ट्रेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी तो एडमिन अप्रूव करेगा. ठीक है, हमने कॉन्टैक्ट अस भेज दिया, अब जो ऑनर है उसको कॉन्टैक्ट जो कर रहा है उसको, उसका रिज्यूम उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दैट थिंग इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग को INT बोलते हैं. इंटीग्रेशन मतलब पहले आप उसको लॉजिकली इंटीग्रेट करिए अपने सिस्टम में और उसके बाद आप टेस्टिंग करिए. इसको अपन स्ट्रिंग टेस्टिंग भी बोलते हैं, समटाइम्स थ्रेड स्ट्रिंग टेस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसी टेस्टिंग होती है जो कंप्लीशन के बाद होती है. ठीक है, मतलब आपने पूरा का पूरा, यदि आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, इसके बाद ही आप स्ट्रिंग टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं. इसको थ्रेड टेस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैरेलल भी हम परफॉर्म करते हैं. जैसे थ्रेड आपका पैरेलल एग्जीक्यूट होता है, वैसे ये भी क्या होता है, आपका पैरेलल एग्जीक्यूट होता है, डिफरेंट मॉड्यूल को पैरेलली हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं. अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग के जो टेस्ट केसेस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल टेस्ट केसेस से, क्योंकि इसके अंदर आप एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स की का नॉलेज आपको अपने टेस्ट रिपोर्ट में लिखना होता है. जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको चेक सेंड मेल, अब चेक सेंड मेल आपका एक सिनेरियो हो गया, चेक सेंड मेल के अंदर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि चेक इनबॉक्स ऑफ सेंडर और चेक इनबॉक्स ऑफ रिसीवर एंड चेक सेंट बॉक्स ऑफ सेंडर. ठीक है, सेंडर का आपको सेंट बॉक्स चेक करना पड़ेगा और रिसीवर का आपको इनबॉक्स चेक करना पड़ेगा, तभी आप मेल को बोल सकते हो कि आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपके एप्लीकेशन के थ्रू मेल सक्सेसफुली डिलीवर हो रहा है. ओके, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक ऐसा टेस्टिंग होता है जो डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में काम करता है, डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में काम करता है. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है, सिंपल इंटीग्रेशन टेस्ट केस ऑफ द फॉलोइंग. जैसे आपको एप्लीकेशन है 3 मॉड्यूल, से लॉगिन पेज मेल बॉक्स. ठीक है, लॉगिन पेज मेल बॉक्स और डिलीट मेल्स.
एंड ईच ऑफ देम आर इंटीग्रेटेड लॉजिकली. ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपस में लॉजिकली होते हैं, क्योंकि जब तक आप मेल बॉक्स में तभी जा सकते हो जब आप लॉग इन करोगे, मेल बॉक्स के बाद डिलीट मेल्स में तभी जाएगा जब आप इनबॉक्स से उसको ट्रेस में डालोगे. तो इन सब चीज़ों को हम इंटीग्रेशन टेस्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं. तो इन तीनों मॉड्यूल को आपको एक ही फ्लो के अंदर लिखना पड़ेगा. एडवांटेज क्या है इसका, ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है फॉर स्मॉल सिस्टम्स के थ्रू, डेटा का फ्लो आप चेक कर सकते हैं. डिसएडवांटेज, फॉल्ट लोकलाइजेशन इज डिफिकल्ट. ठीक है, मतलब यदि आपको फॉर एग्जांपल यदि आपको पर्टिकुलर इंटरनली जो फीचर्स हैं या बहुत छोटे फीचर्स हैं उनको चेक करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है गिवन द शीयर नंबर ऑफ इंटरफेस, क्योंकि जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें शीयर मतलब बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं, उन सभी इंटरफेसेस को चेक करना कि ये प्रॉपर हैं कि नहीं है, कौन सा इंटरफेस के लिंक मिस हुए कि नहीं हुए, इनको मैनेज करना थोड़ा सा मैनुअल टेस्टिंग के अंदर इंटीग्रेशन करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है. सिंस द इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैन कमेंस ओनली आफ्टर ऑल द मॉड्यूल्स आर डिजाइन, टेस्टिंग टीम विल हैव लेस टाइम. तो ये पूरे मॉड्यूल को डिजाइन होने के बाद ही आप कर सकते हो, इसलिए टेस्टिंग टीम के साथ पास बहुत कम समय होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए. ठीक है, सिंस आर मॉड्यूल्स आर टेस्टेड एट वंस, हाई रिस्क क्रिटिकल मॉड्यूल्स आर नॉट आइसोलेटेड एंड टेस्टेड ऑन प्रायोरिटी. तो इसमें सभी मॉड्यूल्स को एक तरीके से ही टेस्टिंग किया जाता है. तो हम इसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई कौन सा मॉड्यूल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है. तो इन सबको यदि अपने को मैनिपुलेट करने का जो काम होता है, ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है किसका, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का. ओके, तो हम इस तरीके से इंटीग्रेशन टेस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के दो टाइप होते हैं, एक पहला होता है टॉप डाउन और दूसरा होता है बॉटम अप. टॉप डाउन का मतलब ये होता है कि हम प्राइमरी स्केल से अपन लास्ट स्केल तक चेक करते हैं, मतलब हम बात करते हैं. टॉप डाउन का मतलब ये होता है कि जैसे हम एडमिन के फीचर से लेकर के ऑपरेटर के फीचर को चेक कर रहे हैं. ठीक है, बॉटम अप का मतलब ये होता है कि छोटे मॉड्यूल से लेकर के बड़े मॉड्यूल को चेक करना, बड़े मॉड्यूल को किसे लेकर के छोटे मॉड्यूल को चेक करना, दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन. बॉटम अप स्ट्रेटजी, ईच मॉड्यूल एट लोअर लेवल इज टेस्टेड विद हायर लेवल अंटिल ऑल मॉड्यूल आर टेस्टेड, टेक हेल्प ऑफ ड्राइवर्स फॉर टेस्टिंग. ठीक है, इसका मेन डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हो कि इसका मेन मोटिव यही होता है कि हम छोटे मॉड्यूल से लेकर के बड़े से बड़े मॉड्यूल को इसके अंदर चेक कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आपका पर्टिकुलर, जैसे हम इसके थ्रू ये समझ सकते हैं कि भाई आपके एप्लीकेशंस का जो फ्लो है वो रिवर्स डायरेक्शन में कैसा है. टॉप डाउन के अंदर, टॉप डाउन में क्या होगा, आप मेन मॉड्यूल या जो बड़े मॉड्यूल होते हैं उनके थ्रू आप छोटे मॉड्यूल को टेस्ट करते हो. इन टॉप डाउन अप्रोच टेकिंग टेक प्लेस फ्रॉम टॉप टू डाउन फॉर फॉलोइंग द कंट्रोल फ्लो ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम. ठीक है, इस तरीके से हम मैनेज करते हैं. ये आपका हो गया बॉटम अप. ठीक है, मॉड्यूल वन से मॉड्यूल टू थ्री फोर इसको मैनेज करते हो, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, टॉप. मॉड्यूल वन से मॉड्यूल सिक्स तक करोगे तो टॉप डाउन होगा, और मॉड्यूल सिक्स फाइव फोर टू थ्री वन को करोगे दैट इज कॉल्ड बॉटम अप. ठीक है, इन दोनों तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं. तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जैसे मेल बॉक्स है, मेल बॉक्स को ही आप इसके थ्रू मैनेज कर सकते हो. इसके पहले जो एग्जाम्पल, मतलब आप जैसे कोई भी, जैसे मैं बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, shivaconceptsolution.com में गया मैं अपनी साइट में गया, और इस साइट के अंदर जैसे मैं जाता हूँ, इस साइट के अंदर जैसे मैं इसमें ओपन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक कॉन्टेक्टस का पेज होता है. ठीक है, कॉन्टेक्टस के पेज में मैं यहाँ पर लिखता हूँ योर नेम, मैंने यहाँ पर दे दिया टेस्ट, फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दिया, ईमेल आईडी टेस्ट, सेलेक्ट कोर्स. ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी जो है, आपने प्रॉब्लम की तो इसने दे दिया कि आप गलत ईमेल आईडी लिख रहे हैं. कौन सा कोर्स आप सीखना चाहते हो, मैंने दे दिया iOS, मैसेज आई वांट टू लर्न iOS विथ स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, हमें iOS सीखना है, किसका यूज़ करके, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम iOS सीखना चाहते हैं. और नाउ आई विल प्रेस सबमिट बटन. इसके बाद मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया. जैसे मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टस, वेलकम इन SCS, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून. तो ये हमारे पास क्या हो गया, दीज आर द फर्स्ट मॉड्यूल, मतलब ये एक गेस्ट का मॉड्यूल है. गेस्ट मतलब गेस्ट हमसे क्या करना चाहता है, कॉन्टेक्ट करना चाहता है, वो कोर्सेज करना चाहता है. अब ये तो गेस्ट का मॉड्यूल हो गया, अब ओनर के मॉड्यूल में जाके चेक करना पड़ेगा कि भाई जो गेस्ट ने बोला है या गेस्ट ने जो भी आपके मैसेज लिखा है वो ओनर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा. इसके लिए आपको ओनर के अंदर का जो यूआरएल है वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ आई विल गो ऑन एडमिन. ओके, इसके अंदर एडमिन के अंदर जाऊंगा, यहां पर मैं लॉग इन करूंगा. Now we go on this.
ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट. नाउ आई एम एंटरिंग करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड. जैसे मैं करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड गया तो मैं यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड के अंदर चला गया अपने पोर्टल्स में, और यहाँ पर मेरे पोर्टल्स में बना हुआ है भाई साइट की जो मेरे पास डिटेल्स है, जो इंक्वायरीज है, वो इंक्वायरीज मेरे पास यहाँ पर मैनेज्ड हो रही है. ठीक है, यहाँ पर देखो आपके सामने ये मिल गया test@gmail.com. ठीक है, दिस वन वी कैन मैनेज test@gmail.com. दिस वन इज 98123. मतलब ये टेस्टिंग, ये पूरे पूरा जो डेटा आपको मिल रहा है ये टेस्टिंग डेटा ही है. इस तरीके से हमने इसको मैनेज कर लिया कि यहाँ से जो हमने एंटर कर रहे हैं वो डेटा आपको यहाँ पर मिल रहा है. एक बार और आप टेस्ट कर सकते हो दूसरे डेटा से, test 1 2 2. ठीक है, यहाँ पर दिस वन यहाँ मैंने दिया टेस्ट कोर्स दिस वन, एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस अगेन, आई विल सबमिट दिस. मैंने यहाँ से सबमिट किया, इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो वो डेटा क्या होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए. तो देयर मीनिंग इज दैट कि ये आपका प्रॉपर है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसको बोलते हैं एक मॉड्यूल से एप्लीकेशंस के डेटा को दूसरे मॉड्यूल पे चेक करना, डेटा का फ्लो चेक करना कि डेटा आपका प्रॉपरली उसको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दैट इज द वर्क ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट. ठीक है, तो मैंने आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में बताया. यदि आपको यूनिट टेस्टिंग देखना है तो आप मेरे पिछले सेशन पे जाकर यूनिट टेस्टिंग देख सकते हो. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप के लिए इसके पिछले सेशन में मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप भी बताए हुए हैं. इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते.